हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। समाज जी क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म अवार्ड में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है और मैं फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म अवार्ड में आया हूँ 2019 में और बहुत अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी इतना आगे बढ़ रहा है, तो अवार्ड हो रहा है और कलाकारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से जो लोग भी अवार्ड शो करवाते हैं करवा रहे हैं उससे कलाकारों का मन बढ़ता है और वो लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भोजपुरी फिल्म अवार्ड की पूरी टीम को। अब अंदर जाने के बाद ही बता सकते हैं क्योंकि अभी मैं शूटिंग पे था, मड में शूट चल रहा है सुहागन फिल्म का और जिसके नवीन प्रकाश रोहरा के बैनर से फिल्म बन रही है। प्रोड्यूसर हैं बंटी शेख जी, डायरेक्टर हैं हमारे संजीव बहुरूपी जी, और तो वहाँ से शूट ख़त्म हुआ है और मैं फिर यहाँ पे आया है। तो अब अंदर जाने के बाद मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताऊँगा कि कितने नंबर पे मेरा परफॉर्म है, क्या है, कैसे है। सर सुहागन के बारे में जानना चाहिए, रुख किरदार किस प्रकार का होगा? सर फिल्म का नाम तो काफ़ी पारिवारिक लगा, सुहागन फिल्म की कहानी भी बहुत बहुत प्यारी कहानी है, एक परिवार की कहानी है और जो रियल होता है परिवार में, जो रियल घटनाएं होती हैं, जो रियल तना तनी होता है और तमाम चीज़ें हैं, तो वो आप लोगों को जब ट्रेलर आएगा फिल्म का तो आपको दिखेगा कि नहीं, हाँ रियल स्टोरी और रियल कहानी है। और मैं जो एक कह दिया जाए कि पिता का ऐसा बेटा हूँ कि जो परिवार में रहते हुए सारी चीज़ें देख कर करता है, झेलता है, कैसे कैसे परिवार को लेके चलता है वो कहानी। सर थ्रेशर के हिट के होने के बाद वापस आपके फैंस जो है मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार का गाना और आना चाहिए, तो क्या कुछ आने वाला है आपके लिए? गाना अभी कल सुबह आने वाला है। थ्रेशर के बाद बहुत सारे गाने हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बनाया, कोई 35 मिलियन, कोई 40 मिलियन, कोई 30 मिलियन, तो गाने बराबर आते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा सॉन्ग ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, तो मेरा रोज़ एक गाना आता है आप लोगों के बीच में, प्यार मिलता है तभी मैं रोज़ गाने ले आ पाता हूँ, नहीं तो कौन इतना व्यस्तता में गाना कैसे रोज़ आ सकता है। तो कहीं ना कहीं से मैं टाइम निकाल के अपने चाहने वाले, अपने प्यार करने वाले दर्शकों के लिए हर रोज़ चाहता हूँ कि कोई ना कोई नया गाना आए, और कल सुबह एक गाना आ रहा आप लोगों को मैं सुना दे रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से जाएगा तो गाना और भी पॉपुलर होगा। हर की मजलत बड़ाई हलई की पटाई के, भाभी बोलती है कि देवर को कि ये सब काम कर रहे हो तुम्हारे जिम्मे कोई काम नहीं है, तब बोलती है हर की मजलत बड़ाई हलई की पटाई के, हो लई की पटाई के, अमरी है यमराज जहिया नरक में लौटाई के। तो सोच हमारी अलग है और अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग गाने आएंगे, आप लोग इंजॉय करेंगे, मजा लेंगे। जी सर 125 मिलियन हो गया थ्रेशर। मैं सभी अपने चाहने वाले दर्शकों को, भगवान स्वरूपी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 6-7 महीने के अंदर वो ढोलक हारमोनियम का गाना, मिट्टी का गाना जो हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को दर्शाते हैं, तो वो गाना इतना बड़ा पॉपुलर हुआ आज डीजे के ज़माने में, तो मैं कहीं ना कहीं से बहुत खुशकिस्मत हूँ। पूरी मास टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, विक्की भैया को, गणेश भैया को जिन्होंने बहुत मेहनत किया, उस कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिप्टर इंटरटेनमेंट को जिसके चैनल पे वो गाना आया, और 125 मिलियन गाना हो गया आज। आज हमको लगता है 126 मिलियन हो जाएगा, मतलब पर डे दूसरे दिन एक मिलियन जाता है वो गाना आज भी, तो कहीं ना कहीं से दर्शकों का प्यार आशीर्वाद है। हर की रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, अरे रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, तू धरा वेला थ्रेशर, तू धरा वेला थ्रेशर। तभी थ्रेशर का फिर आ रहा है, चैता फिर आएगा तो कुछ नए अंदाज में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।